दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल स्टडी संसार में। दोस्तों, हम आज से HTML की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम HTML का इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि HTML लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज क्यों जरूरी होती है, लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, और फिर हम जानेंगे HTML क्या होता है, HTML कौन सी लैंग्वेज है तथा HTML के कौन कौन से यूजेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। इसके नाम से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि HTML एक लैंग्वेज है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज क्या है। तो देखिए, व्हाट इज लैंग्वेज, हम अपनी बात को समझाने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं। लैंग्वेज का हिंदी मीनिंग भाषा होता है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। तो भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी बात को समझाते हैं। सो जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं HTML, ये भी एक प्रकार की भाषा है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपको मार्केट जाना है, वेजिटेबल लेनी है। आप मार्केट गए, वहाँ पर खड़े हुए, तो उस शॉपकीपर को कैसे पता लगेगा कि आपको वेजिटेबल चाहिए कि क्या चाहिए कि फ्रूट चाहिए? आप अपनी बात को समझाने के लिए किसी भाषा की ज़रूरत होती है, किसी न किसी भाषा की ज़रूरत होती है। भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी, मराठी हो, जो भी आपके लिए सही हो। सो भाषा का यूज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। अब मैं कुछ और टॉपिक्स प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखें। सो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम कंप्यूटर, अर्थात आप कंप्यूटर से क्या चाहते हो? आप चाहते हैं कि कंप्यूटर को हम अपने विचारों को समझा सकें। कंप्यूटर को हम, मतलब जो कंप्यूटर होता है, उससे हम अपने विचारों को समझा सकें। समझाने के लिए हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होगा। अब आपको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए किसी न किसी भाषा का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आप कौन सी भाषा का यूज़ करें, हिंदी या इंग्लिश? तो मैं आपको बता दूँ, कंप्यूटर इंसान नहीं है, कंप्यूटर हिंदी या इंग्लिश नहीं समझ सकता। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें एक लैंग्वेज आनी चाहिए जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। जो देखिए, ये भी दिखेगी कंप्यूटर को समझाने के लिए। ये आप हो गए, वो कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर से आपको कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करने के लिए आप किस मीडियम का, किस माध्यम का यूज़ करेंगे? ये तो ना हिंदी समझेगा ना इंग्लिश समझेगा। तो समझाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे मशीन लैंग्वेज का। तो चलिए हम बताते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, तो देखिए, तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि कंप्यूटर को केवल मशीन लैंग्वेज आती है। यहाँ तक कि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओनली मशीन लैंग्वेज पर ही वर्क करते हैं। हमारा कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है, जिसे बाइनरी नंबर्स कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कंप्यूटर केवल लो लेवल लैंग्वेज समझता है, तो मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है, जिसकी कोडिंग करना हमारे लिए बहुत टफ होता है। इसके लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो कि इंग्लिश में लिखी जाती है। पर अब बात ये आती है कि हम लोगों को हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग कर दें, परंतु कंप्यूटर इसे कैसे समझेगा? क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज यानी 0 और 1 ही समझता है।
और हाई लेवल लैंग्वेज तो इंग्लिश में लिखी हुई होती है। तो देखिए, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए हमारे प्रोग्रामर्स या साइंटिस्ट ने एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का निर्माण किया, जिसे हम कंपाइलर के नाम से जानते हैं, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी नंबर्स यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और हमें लगता है कि जो प्रोग्राम हम कंप्यूटर में राइट कर रहे हैं वो कंप्यूटर ने समझ लिया। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करें और हमारे सिस्टम में कंपाइलर नाम का प्रोग्राम ना हो, तो कंप्यूटर हमारी बात को कभी नहीं समझ पाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज की हेल्प से आप देखिए हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेज की हेल्प से सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जैसे कि VLC, मीडिया प्लेयर, नोटपैड, MX प्लेयर या कुछ भी आप बनाना चाहें, जो भी आप बना सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज का क्या यूज़ है? तो मिडिल लेवल लैंग्वेज में आप लो लेवल लैंग्वेज की भी कोडिंग कर सकते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज की भी कोडिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिसे चलाने के लिए ड्राइवर्स एप्लीकेशन की हेल्प चाहिए होती है। तो ऐसी मशीन को बनाने के लिए हम मिडिल लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज HTML? अब हमारा टॉपिक शुरू होता है कि HTML क्या है। HTML stands for Hyper Text Markup Language, means जो HTML है उसका पूरा नाम Hyper Text Markup Language है। तो नेक्स्ट देखते हैं, HTML is the standard markup language for creating web pages. जो ये HTML है ये हमारा बहुत ही पुराना मेथड है, किसका? वेब पेज बनाने का। सबका बेसिक, कोई भी वेबसाइट हो गई, एनी वन वेबसाइट, बिना HTML का यूज़ किए हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि बेसिक हमारी HTML है। इसी के स्ट्रक्चर से हमारा पूरा वेबसाइट डिज़ाइन होती है। HTML इज द डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। HTML जो है वो हमारे वेब पेज हमारा कैसे ओपन होगा, कैसे वेबसाइट पे शो होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर कौन निर्धारित करता है? HTML निर्धारित करता है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। जो HTML हमारा होता है ये हमें ये भी बताता है कि जो हमारा ब्राउज़र है, जैसे मोज़िला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, कोई भी ब्राउज़र, हमारा जो कंटेंट है, एलिमेंट है, वो कंटेंट, जैसे कोई आप फोटो कहाँ रखना चाहते हैं, टेक्स्ट कहाँ रखना चाहते हैं, ये मैनेज कौन करता है? HTML मैनेज करता है। आप चाहे कोई भी लैंग्वेज में CSS अप्लाई करें या जावा अप्लाई करें, लेकिन HTML के जो एलिमेंट होते हैं वही हमारा निर्धारित करते हैं कि हमारे ब्राउज़र में कहाँ कैसे कौन सा कंटेंट शो होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ अबाउट HTML लैंग्वेज, मतलब क्लियर आखिर है क्या ये HTML लैंग्वेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट यानी कि हमारी जो HTML है ये कुछ अपने से कुछ क्रिएट नहीं करती, ये बस केवल टेक्स्ट का घेरा लगाने का कार्य करती है। वेब पेज आप जो देखते हैं वो बस टेक्स्ट को क्रिएट करती है, वो घेरा लगाती है टेक्स्ट को, इसीलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। अब कुछ लोगों में ये मतभेद हैं कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि कौन सी लैंग्वेज है, तो उसे भी हम क्लियर करते हैं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो क्यों नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम बताते हैं, क्योंकि HTML सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करता है, और ना ही HTML में हम अपने आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। यानी कि HTML जो है वो सॉफ्टवेयर, आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट बना दें, वो बस केवल उसका स्ट्रक्चर, उसका डिज़ाइन तैयार करेगा, उतना ही उसको आप कंट्रोल की आप क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं तो आपके वेबसाइट का कलर चेंज हो जाए या कुछ नया फीचर उसमें ऐड हो जाए, इसमें बस केवल उसका हम ढांचा तैयार कर सकते हैं, जिसे स्ट्रक्चर कहते हैं।
बाकी इस पे ना अपने आइडियाज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि आप हम जैसा सोचें वैसा हमारा वेबसाइट बन जाए। उसके लिए आपको CSS अप्लाई करनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट अप्लाई करनी पड़ेगी, ये सब लैंग्वेज अप्लाई करनी पड़ेगी, आपको PHP सीखनी पड़ेगी आगे। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से हमारा क्या निकला, कंक्लूजन कि HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज, ना कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके क्लियर, चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ HTML लैंग्वेज, आखिरकार HTML लैंग्वेज का यूज कहाँ है। HTML लैंग्वेज का बेसिकली एक ही जगह पे यूज है, किसमें, आपके वेब पेजेस बनाने के लिए और आपके वेब पेजेस को एडिट करने के लिए। यानी आप वेब पेज को बना सकते हैं और वेब पेजेस को एडिट कर सकते हैं, और भी ज़्यादा यूजेस और यूजेस नहीं है, बस यही मुख्य यही यूजेस हैं कि आप HTML के थ्रू क्या करते हैं, वेब पेज को बनाने का काम करते हैं, उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी काम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर